नमस्कार, विज्ञान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सीबीआई ने पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी से दूसरे दिन भी की पूछताछ। 3,600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मामले में सीबीआई ने मंगलवार को दूसरे दिन भी वायुसेना के प्रमुख एसपी त्यागी से पूछताछ की। सूत्रों ने बताया कि त्यागी सुबह करीब 11 बजे सीबीआई मुख्यालय पहुंचे। एजेंसी ने त्यागी से इस विवादित मामले में बिचौलियों से उनके कथित संबंधों सहित विभिन्न पहलुओं, उनकी कथित इटली यात्रा, हेलीकॉप्टर के मानदंडों में बदलाव के पीछे के कारणों और उनके रिश्तेदारों से उनके संबंध पर सवाल पूछे। गौरतलब है कि हाल ही में इटली में मिलान कोर्ट ऑफ अपील्स ने फैसला किया कि इस सौदे में रिश्वत दी गई थी। हाफिज सईद का नया ढोंग, पाकिस्तान में नहीं होने दूंगा मंदिरों का विध्वंस। पाकिस्तान के प्रतिबंधित जमात उद दावा के प्रमुख और कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद ने नया दांव खेलते हुए कहा कि उसका संगठन देश में मंदिरों एवं गैर मुस्लिमों के अन्य पवित्र स्थानों का विध्वंस नहीं होने देगा। सिंध प्रांत के मतली शहर में एक सभा को संबोधित करते हुए सईद ने कहा कि मुस्लिमों की जिम्मेदारी है कि वे अपने हिंदू भाइयों के पवित्र स्थलों की रक्षा करें। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार सईद ने कश्मीरी मुस्लिमों के प्रति समर्थन का संकल्प भी जताया। भाजपा सांसदों से बोले मोदी, सफलता की कहानी लोगों तक पहुंचाओ। भाजपा नेता राजग सरकार के कार्यकाल के करीब 2 वर्ष होने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना, एलपीजी कवरेज में वृद्धि, गांव में विद्युतीकरण समेत अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया और भाजपा सांसदों से सफलता की कहानी को लोगों तक पहुंचाने को कहा। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने को प्रतिबद्ध है। बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और सरकार एवं पार्टी के शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बैठक के दौरान वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले का विषय भी उठा, जिसको लेकर भाजपा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को निशाना बना रही है। सचिन तेंदुलकर होंगे रियो में भारत के गुडविल एम्बेसडर। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर अगस्त में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाले ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के गुडविल एम्बेसडर होंगे। सचिन ने भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से उन्हें दिए गए इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दी है। इस समय परिवार के साथ मसूरी में छुट्टियां बिता रहे पूर्व क्रिकेटर सचिन के अलावा बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और ओलंपिक में देश के एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को भी IOA ने रियो में गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। हेलीकॉप्टर घोटाले में निशाना बनाए जाने से खुश हैं राहुल गांधी। राष्ट्रमंडल खेल और अगस्ता वेस्टलैंड मामले में भाजपा द्वारा निशाना बनाए जाने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वह निशाना बनाए जाने से खुश हैं। राहुल ने संसद भवन परिसर में कहा कि मुझे हमेशा निशाना बनाया जाता है। दरअसल उनसे भाजपा सांसद किरीट सोमैया के उस पत्र के बारे में पूछा गया था, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई से राहुल गांधी और रियल एस्टेट डेवलपर के बीच कथित संबंध की जांच करने का आग्रह किया है। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि गिडो हाफशेक नामक कथित बिचौलिया इन दोनों मामलों में जुड़ा है और उसका संबंध क्रिश्चियन मिशेल से है। मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.vipinio.com। नमस्कार।